सर दूसरा ये सर सवाल जुड़ रहा है हमारे साथ में, अक्षत मालविया जी हैं स्किम नंबर 140 से, 3 साल पहले इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में उनने स्पाइन का प्रॉब्लम हुआ एंड ड्यू टू दैट इशू उनको बेल्ट लगा के बैठना पड़ता है, आज हो गए उनको 3 साल, कोई रिलीफ नहीं मिल पाया है, ही हैज़ बीन गोन थ्रू वेरी प्रोसीजर्स, लॉन्ग प्रोसीजर्स, बट अभी भी कोई रिलीफ नहीं, तो सर क्या कंसल्टेशन हमें उन्हें सजेस्ट करना चाहिए? बराबर है, अगर ये अक्षत जी को 3 साल से दर्द बना हुआ है और अगर दर्द के साथ लचक या पैरों में दर्द जाता है तो उनको जरूर एक बार दिखा के सलाह लेना चाहिए। अगर सिंगल लेवल पे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो उसको एंडोस्कोपिकली ट्रीट किया जा सकता है, जो कि बड़ा आसान है और ये ऑप्शन कम जगह मिलते हैं, इसलिए मरीज बहुत जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको किस सर्जरी में जाना है। पर ओपन सर्जरी के ऑप्शन में हमेशा एक एंडोस्कोपिक सर्जरी का ऑप्शन होता है, जिसमें कि ओपन सर्जरी में मरीज को बेहोश किया जाता है, इसमें बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में चीरा केवल 7 मिलीमीटर का होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी छोटा, ओपन सर्जरी में इसके कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा चीरा होता है, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स का कोई लॉस नहीं होता है। इन केस भविष्य में किसी को दोबारा भी हो जाता है स्लिप डिस्क, तो एंडोस्कोपिक सर्जरी को करना दोबारा काफ़ी आसान होता है, ओपन सर्जरी में काफ़ी डिफिकल्टीज हो। राइट, सो ऑपरेशन से रिलेटेड जो डर रहता है ना लोगों को कि हम लोगों ने अगर करवाया तो हमें इतना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल लाइफ नहीं रह पाएंगे, हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस ने इतना ज़्यादा आगे तरक्की कर लिया है, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा अभी न्यू टेक्निक से फैमिलियर हैं, एडवांस हैं, कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत कम समय में आपको देते हैं।